हेलो फ्रेंड्स, जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आपका सबका स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपके सामने एक्सेल की एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट लिस्ट। आज से आपको एक्सेल के सारे सीरीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो पर डे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे जिसमें एक्सेल के सारे टॉपिक होंगे। आप इजली घर बैठे सारे टॉपिक स्टडी कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक हमारी स्टूडेंट लिस्ट है। तो सीधे डायरेक्टली हम पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल ओपन करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं, विंडो प्लस आर दबा के एक्सेल लिख के सर्च करते हैं। तो मैंने एक्सेल शीट ऑलरेडी ओपन कर रखी है, तो डायरेक्टली पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो आज की पॉइंट मैंने हेडिंग बना दी है, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारी मेन हेडिंग होगी स्टूडेंट लिस्ट, और सब हेडिंग हमारी होगी सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स फी, पेड ड्यू, डिस्काउंट एंड बैलेंस, ठीक है। ये हमारी सब हेडिंग है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास कुछ डाटा है। जैसे कि हमने 10 बच्चों का डाटा ले रखा है, 10 बच्चों का नाम है। अब हमारे पास एक अगली हेडिंग है कोर्स के नाम से। तो सबसे पहले हम कोर्स का नाम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने कर दिया DFA ADCA, ठीक है, और CCC DCA, ADFA, उसके बाद से टैली हो गया, ठीक है, बिजी हो गया। तो जितने भी कोर्सेज हमारे वहाँ चलते हैं, हमने वैसे कोर्सेज के नाम लिख लेते हैं, ठीक है। ऑफिस मैनेजमेंट हो गए, फिर से रिपीट कर दिया DFA और DCA, ये कोर्सेज हो गए। अब आपको कोर्सेज की फ़ी डालनी है। कोर्सेज फीस आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब जो आपके जनरल होंगे। जैसे हम डाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, DCA की फीस, ठीक है। ऐसे आप फी इनपुट कर लेंगे। ये करने के बाद आप अगली हेडिंग है हमारी पेड। पेड का मतलब आपने कुछ पैसे जमा किए हों, तो वो अमाउंट यहाँ लिखिए। तो जो अमाउंट आपने पेड किया होगा वो आप लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे कि रैंडमली कुछ भी लिख लीजिए कि इन्होंने 4000 पे कर दिया है, ठीक है, ठीक है, इन्होंने 8000 कर दिया है, इन्होंने 3000 किया है। तो ऐसे रैंडमली आपको जो अच्छा लगे, जो भी अमाउंट आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फार्मूला लगेगा हमारा ड्यू, डिस्काउंट और बैलेंस के लिए। तो यहाँ रैंडमली आप कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं। ठीक है, अब बारी है ड्यू की। ड्यू का मतलब होता है रिमेन बैलेंस, यानी जो बैलेंस अभी बचा हुआ है आपका। यानी आपकी फ़ी कितनी थी, 7500, कितना पेड कर दिया, 4000, यानी कितना बचा, जितना बचा यहाँ नियुक्त देंगे, यानी 3500। तो ये आप जानते हो कि 3500 बचा, लेकिन आप 3500 यहाँ लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप एक्सेल शीट में बताया गया है कि फार्मूले का यूज़ किया जाता है, और कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। इक्वल टू का यूज़ करने से ये होता है कि अगर हम एक बच्चे के लिए फार्मूला अप्लाई करके डाटा निकालते हैं, तो बाकी बच्चों के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसी ऑप्शन को हम ड्रैग कर देते हैं तो सबका आ जाता है। तो एक्सेल यही हमारी हेल्प करता है, हमारे टाइम को यूटिलाइज करता है, हम कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ड्यू निकालने का तरीका है। सबसे पहले हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। इक्वल टू कितनी फ़ी थी, तो इसमें ये नहीं कि फ़ी लिखेंगे इस हेडिंग को सिलेक्ट करने के, कुछ नहीं, जितनी फ़ीस थी उसको सिलेक्ट करिए। फर्स्ट बच्चे को, जिस जो भी हो फर्स्ट बच्चे पे, फर्स्ट नंबर पे, उनका सिलेक्ट किया फ़ी, और सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, पेड बैलेंस को। और उसके बाद इंटर, एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ D8 E8 जो लिख रहा है वो क्या है, इस पर कन्फ्यूज नहीं होंगे। आप जिस सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं उस सेल का नाम बता रहा है D8 और E8। चूँकि ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि जो D8 है इसमें क्या है, कौन रो है, कौन कॉलम है, कैसे जानेंगे, आपको ये बात बताया जा चुका है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कॉलम होते हैं, और जो नंबर्स हैं वो रो हैं। यानी हमने डी कॉलम और 8 रो को सिलेक्ट किया है, फिर सब्ट्रैक्ट किया है ई कॉलम और 8 रो को, ठीक है। बस इंटर दबा दीजिए, देखिए 3500 आ गया।
अब एक बच्चे का 3500 आ गया, अब इसको पकड़िए कॉर्नर पे, जो ये ब्लैक सा सिंबल दिख रहा है आपको, जब इस पर जाएंगे तो ब्लैक सा प्लस का साइन बनेगा। बस आपको लेफ्ट क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको नीचे या तो डबल क्लिक कर दीजिए या ड्रैग करके लास्ट तक ले आइए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबका बैलेंस निकल गया और सबका करेक्ट ही है। देखिए 4500 फी है, 3000 डिपॉजिट है, कितना रिमाइंडर है 1500। तो आप ऐसे करके ड्यू बैलेंस निकाल सकते हैं। अब रही बात कि कोई सीजन चल रहा हो और अनाउंसमेंट ऐसा कर दिया जाए कि जो भी फीस आपकी है आप ला के अगर जमा करेंगे तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि डिस्काउंट किस अमाउंट पे दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आपको ये बात पता है कि अगर आपकी कोई फ़ीस जमा नहीं होती तो डिस्काउंट आपकी फ़ी पे मिलती, ठीक है। लेकिन आपने इस फी अमाउंट में से ऑलरेडी कुछ पैसे पे कर दिए हैं, यानी आपका अमाउंट ड्यू अमाउंट जो है 3500 है, यानी आपका जो डिस्काउंट निकलेगा, आप जो डिस्काउंट निकालेंगे वो ड्यू अमाउंट पे निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो है नहीं, आप फर्स्ट टाइम पेमेंट तो कर नहीं रहे हैं, आप ऑलरेडी कुछ पैसा पेमेंट कर चुके हैं, यानी जो आपका अमाउंट ड्यू है उसी अमाउंट पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपकी एक्चुअल फ़ी है उस पर डिस्काउंट नहीं रहेगा। हाँ, एक्चुअल फ़ी पे डिस्काउंट कब दिया जाता, जब आपकी कोई फ़ीस जमा नहीं होती या फर्स्ट टाइम आप फीस जमा कर रहे होते तब ऐसी बात आती है। तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि जैसे कि फर्स्ट बच्चे का देख लीजिए, आकाश नाम है, जिनकी फ़ीस है 7500, जिसमें से उन्होंने जमा कर दिया 4000, यानी बच्चा कितना है 3500। तो अब हमें डिस्काउंट इस अमाउंट में देना है 3500 पे, ठीक है। कैसे देंगे चलिए देख लेते हैं। हेडिंग बनाते वक्त इस बात का ध्यान देंगे, डिस्काउंट और एट द रेट के बीच में स्पेस रखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको पास पास रखते हैं तो यह एक लिंक बन जाता है, तो इन बातों का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए फार्मूला निकालते हैं, क्योंकि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वलिटी का प्रयोग करते हैं, यानी इक्वल टू। तो अब डिस्काउंट देना है किस पे, ड्यू अमाउंट पे ही देंगे, कितना परसेंट, 10%। तो बहुत ध्यान से करना है आपको, सबसे पहले ड्यू अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, 5%, 10%, 12%, जितना भी परसेंटेज हो उतने से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो चूंकि हमारी हेडिंग में डिस्काउंट दिया कितना बोला है करने के लिए, 10%, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड का सिंबल लगाया, यही डिवाइड का सिंबल होता है स्लैश, ठीक है, और 100 से डिवाइड कर दिया। ये तरीका आप यूज़ करेंगे डिस्काउंट देने के लिए कि ड्यू अमाउंट क्या है, उसका कितना परसेंट, और डिवाइड कर देंगे 100 से और इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ड्यू अमाउंट 3500 है, उसका डिस्काउंट 10% कितना आया, 350 आया। तो अब आपने एक का निकाला तो सबका निकल जाएगा, आप कॉर्नर पर डबल क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं सबका डिस्काउंट निकल गया, 5000 का 10% 500 ही होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक बार आप चेक कर लेंगे कि जो फार्मूला इनपुट करें क्या सही है, अगर हम यहाँ पेड अमाउंट को 4000 की जगह 5000 करते हैं तो देखिए क्या ड्यू अमाउंट डिस्काउंट इसकी वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। अगर चेंज हो रही है मतलब फार्मूला सही है, प्रॉपरली तरीके से लगा हुआ है, अगर नहीं चेंज हो रही है मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने 5000 किया, ड्यू अमाउंट 3500 से घट के 2500 पे आ गया और डिस्काउंट भी उसका 10% 250 हो गया, यानी 350 की जगह 250 हो गया, यानी कि जो हमने फार्मूला यूज़ किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब रही बात बैलेंस की, बैलेंस का क्या मतलब है, यानी आपका ड्यू अमाउंट कितना था 2500, उस पर कितना डिस्काउंट मिल गया आपको 250 का, यानी कितना बैलेंस आपको देना रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि 2500 में से 250 सबट्रैक्ट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वही आपका बैलेंस होगा, ठीक है। तो आपको करना है सिर्फ इतना ही है कि सबसे पहले इक्वल टू का यूज़ करना है, ड्यू अमाउंट को सेलेक्ट करना है और माइनस लगा के डिस्काउंट अमाउंट को सबट्रैक्ट कर देना है और इंटर कर देना है, यानी कि आपको कितना बैलेंस पेड करना है, 2250, और एक का निकल गया सबका निकल गया, ऐसे आप करके पूरा बैलेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभी आप देखते हैं इसमें जैसे ही हमने फार्मूला यूज़ किया इसमें ग्रीन ग्रीन लाइन कुछ आ गई है, इसको एरर बोलते हैं, कभी कभी एरर आ जाते हैं, तो उससे आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, सबको एक साथ सेलेक्ट करिए और यहाँ जो सिंबल बन रहा है दिस फार्मूला सेल डिफर द फार्मूला इन दिस एरिया स्प्रेडशीट, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है इग्नोर एरर, बस क्लिक करिए, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप स्टूडेंट रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ में आ रहे हो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आज के पॉइंट थे।
आप भी ऐसे करके स्टूडेंट डे बनाइएगा, ठीक है? और जो इश्यूज़ आ रही हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।